अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस तरह के छपले जो बहुत ही आसानी से और कम कपड़े में जो बनाया गया है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। और हमारे और इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखना, क्योंकि स्किप करके देखने से आप लोग पूरी तरह से समझ ना पाएंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग। चलो शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। दोस्तों, इस छपले की कटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई 15 इंच है, लेकिन हम इसकी कटिंग और सिलाई कुछ इस तरह से करेंगे। ये कपड़ा हम जो इधर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा जॉइंड है, तो इस कपड़े को हम बीच में लाने के लिए सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करें। हम इस कपड़े की सिलाई कर लिए हैं, तो फिर उसके बाद ये एकदम बंद बंद है पूरा, और इसको बीचों बीच कर लिए हैं। इसके बाद हम इसका माप लेंगे। माप इस तरह लेंगे तो ये हम 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे आर्मोल के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ये अपने चेस्ट तक। फिर हम इसका आर्मोल का शेप देंगे जिस तरह दिया जाता है शेप। फिर उसके बाद हम गले का लेंगे। गला हम लंबाई लेंगे 2 इंच और इसकी गोलाई हम लेंगे 3.5 इंच। फिर उसके बाद ये हम इस तरह से मिला देंगे। फिर उसकी गोलाई का इस तरह से शेप दे देंगे। हमने इसको कट कर लिया है दोनों हिस्से को। अब इसको हम थोड़ा सा शेप देंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ से और कट कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसी तरह से हम गले की तरफ भी करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा 1 इंच तक पूरा इस तरह कट करके निकाल देंगे। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी पाइपिंग की कटिंग करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से इसकी कटिंग दिख रही है, और हमारी पाइपिंग की कटिंग इसके लिए होगी, और इसके और यहाँ पे लगेगी। तो इसकी हम कटिंग थोड़ा सा किए हैं। ये 2 इंच चौड़ी पाइपिंग है और इसकी लंबाई के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। तो ये हम क्रॉस कपड़े में पाइपिंग की कटिंग करेंगे, जैसा हमारा ये क्रॉस कपड़ा है। और उसके बाद हम अभी ये 2 इंच की हम काट ली हैं, तो इसी पे रख के सारी पट्टियों की हम कटिंग कर लेंगे। सारी पाइपिंग की पट्टियों की कटिंग हो चुकी है, चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले इस पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये जैसा ये बीच के हिस्से पे ये जोड़ लगाए थे 5 इंच का, तो ये बीचों बीच पे लिए थे उस जोड़ को, तो हम इस जोड़ पर इस तरह से इस पर ये लेस को लगा देंगे ताकि ये डिज़ाइन की तरह दिखने लगे इस तरह से। ये लेस चौड़ी है जिसकी वजह से हम किनारी से जो सिलाई लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ से किनारी से लगाएंगे। फिर यहीं से हम सिलाई को घुमाते हुए इसी तरह से हम दोनों जोड़ पर सिलाई ये लेस लगाएंगे। लेस तो हमने लगा लिए हैं, उसके बाद हम इसके गले की पट्टी लगाएंगे। और इस पर पाइपिंग लगाने का तरीका ये है, एक हिस्से को ये पकड़े गले के और ये कपड़े को डबल फोल्ड कर दिए, और पीछे की तरफ से इसको हम रख कर इस तरह सिलाई लगाते चले जाएंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए। फिर उसको आगे की तरफ पलटी करेंगे। गले की पूरी गोलाई में इसी तरह कपड़ा घुमाते हुए लगाएंगे। कपड़े को आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे की तरफ लाने के बाद इस तरह से ये पाइपिंग नुमा इस पर सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पट्टी तो लग चुकी है आगे पीछे की, उसके बाद इस तरह इसमें पीछे से लगाए थे उसी तरह हम ये इसमें बगल में भी इसी तरह डबल फोल्ड कपड़े को करते हुए इस पर पट्टी लगाएंगे, और यहाँ इतना बंधन के लिए छोड़ते हुए इस तरह पूरा राउंड राउंड घुमा के लगा देंगे। बगल की पट्टी लगाने के लिए हम बीचों बीच इस पर रख दिए हैं, और एक बार इधर से सिलाई लगाएंगे और एक बार उधर से
इस तरह से बराबर बराबर बंधन के लिए हमारी पट्टी भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ से हम डबल सिलाई करते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। सेम गले की ही तरह इसमें पट्टी लगेगी। यहाँ पे मजबूती के लिए थोड़ा सा और सिलाई लगा लेंगे। अब उसी तरह हम पीछे की तरफ इस तरह पलटी करके सिलाई लगा। दोस्तों ये दोनों तरफ बगल में पट्टियाँ लग चुकी हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ इसी तरह सेम पट्टी लगाएंगे। हमने ये जो पट्टी कटिंग की है ये क्रॉस में नहीं है, सीधी पट्टी है 1.5 इंच चौड़ी, तो उसको इसी तरह लगाएंगे। पहले उल्टे हिस्से की तरफ लगा के सीधे हिस्से की तरफ ले जाएंगे। ये देखो दोस्तों कितनी आसानी से झबला बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत ही कम कपड़े में, यानी बहुत छोटी चिंदी थी जिसमें हम बनाने की इसको कोशिश किए हैं। ये अक्सर मार्केट में रेडीमेड में ये झबले आते हैं और इसको पहनाने का तरीका यही है। आसानी से बच्चों के गर्दन में डालने के बाद यहाँ पे ये बांध देंगे इस हिस्से को। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।